जब मुझे पता चला कि हमारे हरियाणा का लड़का सौरभ गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट पे पढ़ता था और 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स उसने नीट में ले लिए, मैंने कहा चलो चलते हैं फिर सीकर राजस्थान, देखते हैं गुरु कृपा इंस्टीट्यूट क्या है। तो यहाँ पे आके मैंने देखा मुझे तो पूरी यूनिवर्सिटी फील्स आ रही है और ये है एडमिन ब्लॉक और देखो न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है और पूरा क्राउड है यहाँ पे, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके पहुँचे हुए हैं, एक सपने को लेके पहुँचे हुए हैं कि यहाँ पे आएंगे जुड़ेंगे तो शायद हमारे बच्चे के भी 720 में से 720 मार्क्स आ जाएंगे क्योंकि टॉपर्स इतने सारे निकलते हैं, इतने सारे डॉक्टर्स बनते हैं। ये देखो भाई हिस्ट्री, सीकर की हिस्ट्री में पहली बार हमारे हरियाणा से भिवानी से सौरभ है जिसने 12th के साथ साथ ही ना नीट का पेपर निकाले, निकाल ही नहीं दिया 720 में से 720 मार्क्स भी ले लिए। और यहाँ पे ना हरियाणा के बाल ने राजस्थान में कर दिया है कमाल और पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त चर्चे हो रहे हैं सौरभ के। सौरभ जो कि हमारे हरियाणा के भिवानी से, उसने सपना देखा था कि भाई डॉक्टर बनना है, तो वो आ गया गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट सीकर में। लेकिन उसको क्या पता था कि उसको तो सिर्फ ये ड्रीम था कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, लेकिन उसके तो 720 आउट ऑफ 720 स्कोर आया है नीट में। मतलब आप सोचो कि फुल मार्क्स भी आते हैं क्या, अभी तक तो सिर्फ सुना था लेकिन आज पहली बार अपनी आंखों से देखने के लिए मैं पहुंच चुकी हूँ राजस्थान। तो आज आप सबको खम्मा घनी बोलूंगी और इसी के साथ हम आपको लाइव यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त सीकर राजस्थान में, जहाँ पे गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट के सभी टॉपर्स हैं। यहाँ पे अभी तो देखो कुछ एक टॉपर्स हैं यहाँ पे, ये है सौरभ जिनके 720 आउट ऑफ 720 आए हैं, उनकी दादी उनके साथ है, बाकी बच्चे हैं जिनके 715 आउट ऑफ 720 आए हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन गलत। और 715 मतलब ऐसा पॉसिबल होता है कि नीट में ऐसा रिजल्ट आ जाए, और उसके अलावा 2000 प्लस स्टूडेंट्स होने वाले हैं इस साल जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे। तो कह सकते हैं गुरु कृपा सीकर वाला वो तो मतलब डॉक्टर्स की फैक्ट्री बना हुआ है, साल ईयर बाय ईयर ना इतने सारे डॉक्टर्स यहाँ से जाते हैं और कश्मीर से कन्याकुमारी शायद ही कोई ऐसा कॉलेज होगा जिसमें इनका बच्चा ना हो, हर जगह है इनके बच्चे और अब तो इनके एक स्टूडेंट के चर्चे हो रहे हैं पूरे देश भर में। आ जाओ फटाफट फिर बात करते हैं सौरभ से जो कि इस बार डेफिनेटली नीट का टॉपर तो बनी गया है 720 आउट ऑफ 720 स्कोर। हाय कैसा लग रहा है, कैसी फीलिंग है? बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम वेरी हैप्पी टू अचीव दिस। अच्छा एक बात, तो आप भी हरियाणा से हो, हम भी हरियाणा से हैं ना, तो कभी सोचा था कि मतलब ऐसे राजस्थान जाऊंगा और फुल ऑन फुल मार्क्स लेके आऊंगा, ये ड्रीम था कि लाने फुल मार्क्स हैं? हाँ ये ड्रीम तो था, पहले इतना ज़्यादा नहीं सोच रहा था, बस थोड़ा बहुत सोच रहा था कि फुल मार्क्स आ जाए तो फिर, और आज ये अचीव ही हो रहा। अच्छा गूज़बम्स हुए थे जब पता चला था कि फुल मार्क्स आ गए? मतलब मुझे लगता है जिनका क्लियर हो जाता है ना उनको ही गूज़बम्स आ जाते हैं, आपके तो फिर फुल मार्क्स आए हैं। हाँ मैं खुश तो बहुत था पर ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं हुआ, एक बार मैं वेट कर रहा था कि एंटीरियर आंसर दिया जाए ऑफिशियल, तो उस टीरियर पर खुशी बहुत हुई थी। तो अब सौरभ से डॉक्टर सौरभ। यस। अच्छा सौरभ की एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उसकी दादी जो है ना वो उनके साथ यहाँ पे रहती थी, उसकी दादी लेके पहुँची थी उनको एडमिशन के लिए। तो आंटी जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लगे बेटी, खूब। तो स्पेशल हरियाणा से राजस्थान आए हो, सपना पूरा हो गया ना? सपना पूरा हो गया। तो देखना था पोते को डॉक्टर बनते, ये सब पहले ही हो गया था, आशीष आया उसने ये करवाया। हाँ अच्छा मैंने सुना आपके दोता दोती हैं वो भी डॉक्टर हैं और यही गुरु कृपा से उन्होंने भी कोचिंग ली है। उन्होंने करी कहीं उड़ा ले जाइयो ठीक। तो हरियाणा के सारे डॉक्टर्स यही गुरु कृपा से निकलने वाले, आपकी आंखों में तो आंसू भी आ रहे, इतनी खुशी। और इसी के साथ और जो बच्चे हैं ना ये लोग वो हैं जिनके 715 आउट ऑफ 720 आए, सिर्फ एक क्वेश्चन गलत, ये पॉसिबल हो सकता है सबसे पहले यही जानते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन गलत था इतने सारे क्वेश्चंस में से। तो मतलब ये हैरानी वाली बात नहीं है, अभी तक तो तुम लोग भी सोचते होगे कि अच्छा टॉपर्स के इतने मार्क्स आते हैं, अभी खुद तुम वहाँ पे खड़े हो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और वैसे एक्सपीरियंस कैसा है गुरु कृपा के साथ, कैसे तैयारी कराई जाती है, जीत की तैयारी कैसे कराई जाती है? गुरु कृपा है, पूरा सपोर्ट किया जाता है और टेस्ट लगाए जाते हैं। खुश हो, थोड़ा स्माइल कर दो फिर। अच्छा आप बताओ कैसा रिजल्ट आया आपका, आप बताओ कैसा रिजल्ट रहा? बहुत अच्छा था। स्कोर क्या था? 715। मतलब तुम्हारे भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत था, तो ये था एक्सपेक्टेड कि मतलब इतना अच्छा स्कोर ले लेंगे? नहीं वैसे सोचता था कि बढ़िया ले आए, फिर आ ही गया इतना बढ़िया। अच्छा कैसा एक्सपीरियंस, कैसा है, कैसे पढ़ाया जाता है? बहुत अच्छा था, यहाँ के टीचर्स बहुत बढ़िया हैं और यहाँ पे सपोर्ट अच्छा मिलता है और पेरेंट्स ने भी अच्छा सपोर्ट किया, कभी कम मार्क्स आए तो डाटा नहीं,
हमेशा मोटिवेट ही करते थे। और बाकी यहाँ की टेस्ट सीरीज़ बहुत बढ़िया है, उससे बार बार रिविजन हो जाता है जिससे अच्छा लगता है। फिर जैसे पहले मेरे स्कोर कम था पर बाद में ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ गया। देखो ये तो कुछ एक फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, लेकिन 2000 प्लस स्टूडेंट्स होने वाले हैं जो इस बार ना डॉक्टर बन जाएंगे, रिनाउंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में उनका एडमिशन हो जाएगा। और पिछले साल का आपको नंबर बताऊं तो 1832 था, और इस बार भी ना अगर मैं 700 प्लस स्कोर की बात करूं आउट ऑफ 720 तो 81 से ज़्यादा बच्चे हैं जिन्होंने 700 प्लस स्कोर कर लिए। तो डायरेक्टर सर भी हैं, पहले उनसे बात करते हैं फिर कुछ और टॉपर्स हैं उनसे बात करेंगे। तो सर ये हरियाणा वाले बड़े टॉपर्स निकल रहे हैं आपके, वो बताओ हरियाणा वाले कैसे निकलते हैं इतने टॉपर्स? हरियाणा वाले जुनूनी बच्चे होते हैं। हाँ। जैसे आप भी कितने जुनूनी हो, करनाल से चल के सीकर आए हो इस बच्चे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, उसकी दादी के साथ और बाकी बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए। हरियाणा वाले बच्चे डिसिप्लिन्ड होते हैं, स्पोर्ट्समैन वाली पर्सनैलिटी होती है ना, एकदम डिसिप्लिन्ड लाइफ। समय पर क्लास लेना, समय पर क्लास को रिवाइज करना, समय पर टेस्ट देना और अपनी हर वीकनेस पर काम करते रहना। और सबसे बड़ी बात, हरियाणा के ग्रैंड पेरेंट्स भी, पेरेंट्स ही नहीं ग्रैंड पेरेंट्स भी इनको सपोर्ट करते हैं। जैसे सौरभ की दादी जी सौरभ की रूममेट थी एक तरह से। अच्छा। तो वो मतलब सौरभ ने नीट की प्रिपरेशन तो एक बार करी है, सौरभ की दादी जी ने नीट की प्रिपरेशन 3 बार करी है। कैसे? पहले आशीष जो इनका दोहित है उसको नीट की तैयारी करवाई, एक बार उसके साथ तैयारी करी। उससे पहले कॉमन जो इनकी दोहित थी उसको तैयारी कराई, एक बार उसके साथ करी। और फाइनल प्रिपरेशन किसके साथ हुई है? अब भी कोई बचा है क्या? तो सौरभ की दादी ने 3 बार नीट फाइट कर दिया। तो सोचो इस तरह का सपोर्ट पेरेंट्स से मिले, ग्रैंड पेरेंट्स से मिले, और फिर गुरुकृपा के टीचर्स, हमारी पूरी टीम, इवन हमारे मेंटर्स इनकी डे बाय डे केयरिंग करते रहते हैं। क्लासेस बड़े सिस्टमेटिक तरीके से हम ऑर्गेनाइज करते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। बच्चे उन क्लासेस को बहुत अच्छे से फोकस करके लेते हैं। टेस्ट हमने कितने पेपर दिए होंगे सौरभ तूने 2 साल में, 11th और 12th? 2 साल में 200 के आसपास तो दे दिए। 200 के आसपास एग्जाम्स दिए, 200 टेस्ट, जिसमें से बड़ा नंबर तो शायद 12th का सिलेबस होने के बाद था। हाँ। तब तो ऑलमोस्ट एवरेज यही होगा कि एक दिन में एक पेपर दिया होगा आप लोगों ने। हाँ। तो वो स्केड्यूल बनाना बड़ी बात नहीं है, उस स्केड्यूल्स को बच्चे मन से फॉलो कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो रास्ता दिखाना सभी टीचर्स सेम करते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलने वाला काम जो इन्होंने किया, नो डाउट 720 में से 720 मार्क्स लाना बहुत बड़ा है। सीकर की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है सर, सीकर के इतिहास में, इवन गुरुकृपा के इतिहास में भी पहली बार हुआ है। और ये जो चारों बच्चे हैं जो 715 वाले हैं, इन्होंने और इनमें चारों बच्चों के जो ऐसे जो एक एक क्वेश्चन गलत हुआ है, ऐसा नहीं वो कॉमन है। अच्छा। वो अलग अलग है, इसने कोई गलत किया है, उसने कोई गलत किया, उसने कोई गलत किया, उसने कोई गलत किया है, इसका लोग चारों को आते हैं। बट बस वो प्रेजेंस ऑफ माइंड इसका शानदार था, क्योंकि दादी का सपोर्ट था और अपने आप पे कॉन्फिडेंस था। ये तो अपने आप में देखो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मुझे लगता है अपनी खुद की 2 साल की मेहनत के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दो अपने खुद के लिए। देखो ये सभी फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, मुझे लगता है आंटी जी आधे डॉक्टर तो आप भी बनी गए हो। 3 बार आप भी यहीं पे रहे हो, कोचिंग देखिए आपने कैसे होती है। मन तो बेटी बोलने में को नहीं आऊं दो। और भी टॉपर्स हैं यहाँ पे, आपका भी स्कोर 715 आउट ऑफ 720, तो आपका भी एक ही क्वेश्चन गलत हो गया। तो कैसी रही वैसे तैयारी 2 साल, कितनी मेहनत की है? तैयारी तो बहुत ही बढ़िया है, बस शुरू में आए थे 11th में नंबर कमाते थे, फिर 12th में नंबर बढ़ते आगे 720। अच्छा ये सोचा था, ये तो चलो ऑब्वियसली सोच के ही आए थे। हो कहाँ से आप? वो बीकानेर से। तो अच्छा ये तो चलो आप सोच के आए थे कि भाई डॉक्टर बनना है, लेकिन ये सोचा था कि इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? नहीं इतने अच्छे तो नहीं सोचे थे, वैसे मेरे भाई यहाँ से डॉक्टर बना हुआ है। अच्छा। उसके भी 681 आए हुए हैं मार्क्स। वाओ। तो मतलब आप देख रहे हो ना, हिस्ट्री स्पीक्स इटसेल्फ बोलते हैं ना, रिजल्ट जो है वो खुद आउटशाइन करता है और वो कर रहा है। गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट का और भी टॉपर्स है, आपका भी स्कोर वही भाई? देखो एक से एक बढ़ के स्कोर है, तो आपकी कैसी रही एक्सपीरियंस, कैसा है, कितनी मेहनत जाती है इतने मार्क्स लेने के पीछे? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मेहनत तो करनी पड़ती है। दिन रात लगे रहते हो? बस जब टाइम मिले, बाकी बढ़िया से पढ़ाए रखे थे और बढ़िया सपोर्ट मोटिवेट करके रखते हमेशा। बचपन से डॉक्टर बनना था? हाँ, दीदी बोलती थी कि डॉक्टर बनाएंगे, मेरे वैसे खुद का कुछ नहीं था। और 10th के बाद में फिर लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला गुरु कृपा भेज दो, तो फिर कईयों ने कोटा का भी कहा, पर सीकर आगे पास था। फैमिली के पहले डॉक्टर बनोगे? हाँ।
देखो ये तो एक इमोशनल सेंटिमेंट जुड़ा होता है, जब बच्चा चाहता है ना अपनी फैमिली से हटके, थोड़ा लीग से हटके कुछ डिफरेंट पैशन होता है उसके अंदर, एक डिफरेंट करियर वो चूज़ करता है, लेकिन उसको फिर ज़रूरत होती है ना कि कोई एक ऐसा सहारा हो, सपोर्ट सिस्टम हो जो उसको इस तरीके से सपोर्ट करे, उसका हाथ पकड़ के उसको सक्सेस के रास्ते पर लेके जाए। तो देखो ये तो कुछ एक टॉपर्स हैं, बाकी 2000+ टॉपर्स हैं इनके और 700+ स्कोर कर चुके हैं यहाँ के 81 बच्चे। डायरेक्टर सर हैं हमारे साथ, आओ उनसे भी बातें करते। सर इतना अच्छा रिजल्ट आया आपको, मैं नहीं करा झूमने नाचने का, 720 आउट ऑफ 720 आए आपके बच्चे के। तो नहीं मन तो कर रहा है और सेलिब्रेशन किया भी हम लोगों ने। अच्छा कर लिया, पार्टी कर लिया आपने? हाँ अभी ऑफिशियली, वैसे क्या रिजल्ट नीट का आना बाकी है, ये बच्चों के मार्क्स हैं वो कन्फर्म हो गए, लेकिन इनकी ऑफिशियली रैंक वगैरह आ जाती है तब हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे। और बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट और भी उम्मीद कर रहे हैं, तो इसलिए उसके बाद में करेंगे। बाकी गुरु कृपा ने हिस्ट्री तो क्रिएट कर दी है इस बार। हिस्ट्री वैसे तो गुरु कृपा हर साल ही इनकी कुछ ऐसे ऐसे माइलस्टोन स्थापित करती रहती है, तो आने वाले बच्चों के लिए बड़े चैलेंजेस रहते हैं। और हमारा यही थीम होता है कि हम हमारे प्रीवियस ईयर के रिजल्ट से हर साल कहीं कॉम्पीट करने की कोशिश करते हैं, ताकि आगे कहीं की और बड़े मुकाम हासिल करें, यही हमारी कोशिश होती है, इसी से बच्चे लगे रहते हैं। सर गुरु कृपा तो मुझे लगता है डॉक्टर्स की फैक्ट्री बना हुआ है, इतने सारे डॉक्टर्स निकलते हैं, 2000+ बच्चे तो इस बार मुझे लगता है बड़े आराम से रिनाउंड गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे। और उसी के साथ हरियाणा के बड़े सारे बच्चे आते हैं, हरियाणा के बच्चे बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि आपके इंस्टीट्यूट उनकी चॉइस बनता जा रहा है, इस पर कुछ कहेंगे? नहीं हरियाणा के बच्चे वैसे बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, सिंसियर बच्चे भी होते हैं, और ये कई सालों से जैसे सीकर है वो पहले हरियाणा के लिए एक कोटा ऑप्शन होता था, लेकिन अब सीकर है वो एक अच्छा डेस्टिनेशन हरियाणा के बच्चों के लिए बन रहा है, क्योंकि यहाँ जो हरियाणा का कल्चर होता है वो यहाँ का काफ़ी कुछ मैच करता है, तो बच्चा थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रहता है, और प्लस यहाँ माहौल भी बड़ा फैमिलियर सा मिल जाता है, तो इसलिए बच्चों का बड़ा रुझान है और निश्चित तौर पर लगातार कहीं कहीं ग्रो कर रहा है। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ये आप जो 2000 बोल रहे हो, ये गुरु कृपा 2007 से हमने स्टार्ट किया था, पहला रिजल्ट गुरु कृपा का 2008 में आया था, और इस साल हम लोग ये जो इस साल का रिजल्ट और ऐड हो जाएगा तो 10,000+ डॉक्टर्स हम लोग बना चुके होंगे इस साल के रिजल्ट को और इंक्लूड कर ले तो हमारे लिए। आधे डॉक्टर्स यहीं से जाते हैं। अब मैं इंडिया का तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस बेल्ट में हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ मोस्टली जो बच्चा सेलेक्ट हो रहा है वो कहीं ना कहीं गुरु कृपा से हो रहा है, जिसमें जैसे राजस्थान है, राजस्थान का जो हरियाणा से अटैच बेल्ट काफ़ी कुछ है, प्लस ये हरियाणा का बहुत सारा बेल्ट है, इसको हम कवर करते हैं, और यहाँ मोर देन 50% बच्चा जो सेलेक्ट होता है वो कहीं कहीं गुरु कृपा से होता है। हमारे हरियाणा का बेटा है भिवानी का सौरभ, और उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, गुरु कृपा ने हिस्ट्री इस बार जो है क्रिएट कर दी है, 720 आउट ऑफ 720 स्कोर करना नीट एग्ज़ाम में। भाई देखो बहुत हार्ड वर्क जाता है, कौन कहता है कि सपने सच नहीं होते, सपने मुकम्मल होते हैं, वो जील होनी चाहिए, वो पैशन होनी चाहिए, लेकिन वो पैशन जगाने के लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट भी होना चाहिए, जैसे कि गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट सीकर में है, राजस्थान में है, और मुझे तो लगता है डॉक्टर्स फैक्ट्री बना हुआ, जिस हिसाब से यहाँ के बच्चों के क्लियर हो रहे हैं ना, क्वालिफाई कर रहे हैं और जो स्कोर कर रहे हैं वो नीट में, और जिस तरीके से उनके एडमिशन्स हो रहे हैं, मुझे लगता है आप ऑल ओवर किसी भी रिनाउंड मेडिकल कॉलेज में जाओगे ना तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई तो गुरु कृपा का बच्चा मिल ही जाएगा। जब आप अपनी सफलता के रास्ते पर चलते हो ना तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जब आपके डाउन मोमेंट्स होते हैं तब आपको ना अगर कोई अच्छे से सपोर्ट कर दे, आपको कोई काउंसिल कर दे, फिर तो आप सक्सेसफुल हो जाते हो, लेकिन अगर आपको कोई उस वक्त सहारा देने वाला ना हो तो उसके बाद फिर वापस से उठ के लड़ना बहुत मुश्किल है। और ना गुरु कृपा की खास बात यह है कि यहाँ पे ना मेंटर हैं जो कि टाइम टू टाइम इन बच्चों को काउंसल करते हैं। देखो हार्डवर्क करेंगे तो बहुत बार बच्चा लो भी फील करेगा ही, तो मैम से जानेंगे किस तरीके से काउंसल किया जाता है और किस तरीके से करना भी चाहिए, एक बार मैम से बात करते हैं। तो मैम इतने सारे अगर आपके टॉपर्स निकलेंगे, स्कॉलर्स निकलेंगे, ऐसा जर्नी तो इतनी स्मूथ नहीं होती जितना हमको सक्सेस स्मूथ दिखता है, तो कैसे मैनेज करता है गुरु कृपा इन सब चीज़ों को? जैसे हमारा एक टीम है मैम, पूरी मेंटोर्स की टीम है, हर क्लास वाइज बैच वाइज मेंटोर्स सर ने कर रखा है, तो उनकी केयरिंग के लिए, स्टूडेंट की एब्सोल्युटली केयरिंग के लिए, तो जब भी बच्चे का कोई फ्लक्चुएशन आता है, ऊपर नीचे अप डाउन होते हैं, तब हम उन बच्चों से मिलते हैं या उनके हॉस्टल में जाते हैं, हॉस्टल में उनको थोड़ा मोटिवेट करते हैं, कोई बात नहीं बेटा ये तो आपकी मंजिल है, कई बार अप डाउन आएगा, मैं उनको ये बोलती हूँ फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, अगर आपने कहीं थोड़ा सा गिरे हो तो अगली बार इससे सीखो, यू नेवर लॉस, या इधर यू विल विन
और यू विल लर्न समथिंग, या तो आप जीतते हो या कुछ सीखते हो, हर हार से कुछ सीखते हो। थोड़ा सा मोटिवेशन का, एक पेरेंटल केयर, घर पे तो पेरेंट्स होते हैं, कई बार बच्चे इतनी दूर से आते हैं, हर बच्चे के पास पेरेंट्स नहीं हो पाते, तो थोड़ा सा हम उनको संभाल लेते हैं, गाइडलाइन दे देते हैं कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, अगर उनको कहीं फैकल्टी का कहीं भी सपोर्ट चाहिए वो हम तुरंत उनको प्रोवाइड करते हैं कि यहाँ बच्चे का थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आ रहा है, ये टॉपिक इनका थोड़ा सा और आप बूस्ट कर दीजिए। ये इस तरह के सपोर्ट गुरु कृपा में बहुत ज़्यादा है। तो मेंटोरशिप हमारा एक प्रोग्राम है, इसमें लगभग 40 के करीब हमारे मेंबर्स हैं, तो सभी मेंबर्स अपने अपने बच्चों के साथ लगे रहते हैं। तो इसके लिए क्या, बच्चा जब भी गिरता है ना तो हम उनको संभाल लेते हैं, तो बच्चा फिर थोड़ा सा हिम्मत आता है उसको। छोटे ही बच्चे होते हैं, बहुत भोले बहुत सीधे बच्चे, लगातार काम करना, 8 महीने लगातार टेस्ट देना, लगातार क्लासेस लेना, बिल्कुल कोई भी मतलब एंटरटेनमेंट ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आज के टाइम के बच्चों के लिए सचमुच चैलेंजिंग है। लेकिन इस चैलेंज को बच्चों ने बहुत अच्छे से फेस किया और बहुत अच्छे से बच्चों ने अपने मुकाम को, मतलब हमें भी प्राउड फील हो रहा है, पेरेंट्स को प्राउड, बच्चे खुद भी प्राउड फील हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, हम सब के लिए, पेरेंट्स के लिए, हरियाणा के लिए या राजस्थान के लिए, सचमुच में बच्चों ने बहुत कुछ अच्छा कर देखा है। हमें फेल फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, मतलब फेलियर को भी पॉजिटिवली लो और अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दो, ये एजेंडा है गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट का। और देखो बच्चे घर से दूर रहते हैं, पूरे इंडिया से यहाँ पे बच्चे एडमिशन लेने के लिए पहुँचते हैं, स्पेशली अगर हमारे हरियाणा की बात करें तो वहाँ से तो इस बार टॉपर ही निकल गया। तो इतनी दूर से बच्चे घर से दूर है जो टाइम टू टाइम उनको गाइड करती है, तो आप कॉन्ग्रेचुलेट तो कर दो फिर सौरभ को, हमारे हरियाणा से है, हमारे भिवानी से है, और मतलब हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, नीट में 720 out of 720 ले आया है, मतलब नॉर्मल टेस्ट में भी फुल मार्क्स लाना इतना मुश्किल होता है। बाकी आपको दिखाती हूँ कि डिमांड में कितना है गुरु कृपा, यहाँ पे एडमिशन के लिए लाइन लगी हुई है, चलो आपको दिखाऊं। जब मुझे पता चला कि हमारे हरियाणा का लड़का सौरभ गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट पे पढ़ता था और 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स उसने नीट में ले लिए, मैंने कहा चलो चलते हैं फिर सीकर राजस्थान, देखते हैं गुरु कृपा इंस्टीट्यूट क्या है। तो यहाँ पे आके मैंने देखा, मुझे तो पूरी यूनिवर्सिटी फील्स आ रही है, और ये है एडमिन ब्लॉक, और देखो न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है और पूरा क्राउड है यहाँ पे, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके पहुँचे हुए हैं, एक सपने को लेके पहुँचे हुए हैं कि यहाँ पे आएंगे जुड़ेंगे तो शायद हमारे बच्चे के भी 720 में से 720 मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि टॉपर्स इतने सारे निकलते हैं, इतने सारे डॉक्टर्स बनते हैं। आप सब लोग ना अपने सपने लेके पहुंचे, अपनी आंखों में ड्रीम सजा के पहुंचे। सर आप भी बच्चे के एडमिशन के लिए पहुंचे जी मैम, तो बेटा है बेटी है? बेटी है। तो मेडिकल के लिए कि इंजीनियरिंग? मेडिकल के लिए। तो डॉक्टर बनाना चाहते जी, हैं जी। इतने सारे इंस्टीट्यूट है, आपने गुरु कृपा क्यों चुना? मैम जो गुरु कृपा का जो रिजल्ट है, परफॉर्मेंस है, वो ऑल द मतलब इंस्टीट्यूट से बेस्ट है, इसलिए हमने गुरु कृपा चूज किया। नाम चलता है गुरु कृपा का जी मैम। मैम आप कहाँ से पहुँची हैं? उदयपुरवाटी से। कहाँ से? उदयपुरवाटी से। अच्छा तो आप भी बेटी के एडमिशन के लिए पहुँची? बेटा। बेटे तो डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना? डॉक्टर बनाना है। तो इसका नाम अच्छा सुना? अच्छा है, पहले हमारा एक लड़का भी निकला है यहाँ से। अच्छा डॉक्टर है वो? डॉक्टर है वो। अरे वाह भाई, आपका दूसरा डॉक्टर भी यहीं से तैयार हो जाएगा तैयार करने के लिए। हाँ भाई ठीक है, लोगों को ना बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट है यहाँ पे कि भाई अपना दूसरा डॉक्टर भी यहीं से तैयार करेंगे। मतलब जो यहाँ पे टॉपर्स पहुँचे, पहले तो भीड़ देख लो भाई, कितनी भीड़ है यहाँ पे, चार चार बिल्डिंग्स है इनकी गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट के ना, चार ब्लॉक्स हैं, चारों में ऐसे पूरा क्राउड है क्योंकि एडमिशन टाइम है, सबको डॉक्टर बनाना है। ये देखो भाई हिस्ट्री, सीकर की हिस्ट्री में पहली बार हमारे हरियाणा से, भिवानी से सौरभ है, जिसने 12th के साथ साथ ही ना नीट का पेपर निकाल ही नहीं दिया, 720 में से 720 मार्क्स भी ले लिए। और यहाँ पे ना हॉस्टल फैसिलिटी भी है, सौरभ की तो दादी रहती थी पर हर किसी के घर वाले तो साथ नहीं रह सकते ना, तो आपको बिल्कुल होम अवे फ्रॉम होम यहाँ पे मिल जाएगा। हम एडमिशन के लिए पहुँची है, बच्चे का एडमिशन? बेटा है बेटी? भतीजो। अच्छा कहाँ से पहुँची है? चूरू से। अच्छा तो फिर गुरु कृपा का नाम सुना हुआ था आपने, तभी यहाँ आए? बच्चा था पहले। अच्छा हाँ, डॉक्टर बन गया? सर दूसरी सर। अच्छा ओके, तो मतलब देखो लोगों को पूरा ट्रस्ट है यहाँ पे, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग भी एडमिशन के लिए पहुँचे हैं? एडमिशन करवा लिया हम लोगों ने। करवा लिया, चलो बहुत बहुत बधाई, अब डॉक्टर बनना है फिर? यस, डॉक्टर बनने की तैयारी। तो देखो ये सारे हैप्पी फेसेस हैं, सब लोग खुश हैं, मतलब एक ना भरोसा होता है कि अगर हम गुरु कृपा आ गए हैं तो फिर तो हम जो चाहते हैं, हमारे मन में जो एक वो थॉट प्रोसेस है, हमारा ड्रीम है, वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब से 10,000 से ज़्यादा बच्चे ना डॉक्टर बन चुके हैं। ये एडमिन काउंटर देखो कैसे भीड़ लगी हुई है, पीछे सब लोग वेटिंग में हैं। तो अगर आपका भी ड्रीम है, आपके बच्चे का, आपके नून में किसी का, कि डॉक्टर बनना है, रिनाउंड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, वाइट कोट पहनना है, स्टेटोस्कोप पहनना है और सर्व करना है ह्यूमैनिटी को, तो आप लोगों के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है राजस्थान के सीकर में, जहाँ स्पेशली हम
भी आए हुए हैं। गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट आप ज़रूर आइए, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, सेपरेट गर्ल्स हॉस्टल है, सेपरेट बॉयज़ हॉस्टल है, चार ब्लॉक्स हैं इनके, इतने डिमांड में हैं ये, लेकिन हर जगह इतना क्राउड है। और बाकी हिस्ट्री तो सीकर में अगर किसी ने क्रिएट कर दी है तो गुरु कृपा ने ही कर दी है। हमारे भिवानी का लड़का भाई 720 में से 720 स्कोर है, तो कॉन्ग्रेचुलेट ज़रूर कर दो। और बाकी आपको पता है डॉक्टर बनने का सपना, व्हाइट कोट पहनने का सपना पूरा हो जाएगा गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट राजस्थान सीकर के साथ।